नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। और मेरा जो सॉफ्टवेयर है, ये एमी ब्रोकर एंड मेटा ट्रेडर दोनों के ऊपर बेस करके ही काम करता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को पूरा देख लीजिए, शायद ही आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो सॉफ्टवेयर होता क्या है और एक कैसे हम लोग को हेल्प करता है। सॉफ्टवेयर बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं प्रेडिक्शन के लिए, प्रेडिक्शन पर्पज़ के लिए, थोड़ा बहुत मार्केट को समझने के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सॉफ्टवेयर में हम लोग देखते हैं, मार्केट में कॉल तो बहुत सारा बनता है, मगर हर एक कॉल अचीव नहीं होता है। कुछ कॉल अचीव होता है, ऐसा बहुत सारा कॉल होता है जो दिन में अचीव नहीं होता है। तो कॉल आइडेंटिफिकेशन सबसे चैलेंजिंग मैटर होता है, जो कौन सा कॉल में ट्रेड करना है, कौन सा कॉल हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। एक्चुअली ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग मीन्स अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी हर वक्त नहीं आता है। तो हम लोग को वेट करना है एक सही अपॉर्चुनिटी के लिए, जब मार्केट में ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर मुझे प्रॉफिट बन सकता है, हम लोग को जस्ट उसी ट्रेड में या उसी कॉल में ट्रेड करना चाहिए। जैसा आज को मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा वीडियो को थोड़ा देखिएगा। सबसे पहले मैं 14 तारीख मतलब लास्ट फ्राइडे का चार्ट थोड़ा सा दिखाता हूँ निफ्टी में। तो ये जो रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है, ये हम लोग का सिग्नल है। तो जब भी कोई सिग्नल बनता है, ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप आ जाएगा साउंड के साथ, और उसी टाइम आपका स्क्रीन के ऊपर उसका टारगेट स्टॉप लॉस सब कुछ लिख के दिखाई देगा। जैसे राइट साइड में देखिए, इसका वैल्यू लिख के आया है, ये आपका इस वैल्यू में सेल दिया था, ऊपर में स्टॉप लॉस है, T1 T2 T3 तीन टारगेट है। अब एक कॉल जो बना था लास्ट फ्राइडे को 1:30 बजे, ऊपर में देखिए डेट टाइमिंग दिखाई दे रहा है, तो क्या ये कॉल सही था? दैट इज माई क्वेश्चन। तो ये कॉल सही है या गलत है, या ये कॉल इतना स्ट्रांग नहीं है या स्ट्रांग है, उसको समझने के लिए हम लोग को दो तीन चीज़ देखना पड़ेगा। तो जैसे मेरा जो कंडीशन है, उसमें से फर्स्ट कंडीशन होता है नीचे का रिबाउंड का कलर को देखना है, जो देखिए रेड हो गया है, पहले वो ग्रीन था। तो सेल का कॉल में मेरा नीचे का जो रिबाउंड है, उसका कलर को रेड होना चाहिए, दैट इज माई फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन होता है सेल का कॉल का, पहले कहीं पर भी एक स्टार बनेगा, वो भी रेड कलर का, दैट इज माई सेकेंड कंडीशन। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है नीचे का ये लाइन इंडिकेटर। यहाँ पर आपको एक लाइन इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, जिसका कलर एक बार रेड हो रहा है, एक बार ग्रीन हो रहा है, फिर रेड हो रहा है। तो चाहे कलर कुछ भी हो, मगर इसका जो मेन फंक्शन है वो है, देखिए मैं आपका सामने एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो लोकेशन है जहाँ से लाइन है, वाइट लाइन को ब्रेक करके नीचे आने लगा, मतलब स्ट्रांगली सेलिंग जोन में घुस जा रहा है। तो 1:30 बजे जो कॉल बना था, यहाँ पर मेरा ये जो तीन कंडीशन है, तीनों का तीनों कंडीशन मैच था। स्टार था, नीचे का रिबाउंड रेट था, और ये लाइन भी उसी वक्त न्यूट्रल को ब्रेक कर रहा है, तो दैट इज वेरी स्ट्रांग मूवमेंट। तो अगर ये तीन कंडीशन मैच होता है, एट ए टाइम मैच कर रहा है, तो उसका मतलब है ये कॉल आपके लिए काफी स्ट्रांग कॉल बन सकता है। मगर ट्रेड हम लोग कब करेंगे? ट्रेड तभी करना है, हर एक सिग्नल का पहले हम लोग एक कैंडल बनता है, जिसका कलर थोड़ा ब्लू है, ब्लू टाइप का कैंडल है। आपको उस कैंडल का जब तक लो नहीं तोड़ता है, तब तक ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये ब्लू कैंडल का लो, सपोज मैं आपका सामने इसका लो के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो लॉजिकली इस कैंडल में आप ट्रेड नहीं कर रहे, उसका बाद वाला कैंडल से आप ट्रेड पकड़ रहे हैं। तो उसके बाद आपको अपना रिजल्ट दिखाई दिया और लंबा प्रॉफिट देखे गया। अब मैं आता हूँ आज का परफॉर्मेंस में। देखिए, ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल था 17 तारीख, और यहाँ पर एक बाय का कॉल दिया था। अब मेरा सॉफ्टवेयर से आपको क्या एडवांटेज मिलेगा? सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा नहीं जो हमेशा प्रॉफिट ही देगा, प्रॉफिट का साथ साथ बेटर होता है, जो आपको कैपिटल को भी बचाना है, खराब मार्केट में कैसे अवॉइड करना है। जैसे ये जो बाई का कॉल बना है सुबह को, यहाँ पर उस टाइम मुझे नीचे का रिबाउंड का कलर रेड दिखाई दे रहा है, कोई स्टार नहीं है, और नीचे का जो लाइन है वो भी न्यूट्रल का काफ़ी नीचे है। तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा मेरा कंडीशन के लिए। अब कंडीशन कहीं पर भी मैच हो सकता है, ऐसा नहीं हमेशा पहले ही मैच होगा। देखिए, थोड़ा देर बाद आके इस कैंडल में आप देख सकते हैं, 10 बजे का जो कैंडल है, नीचे का रिबाउंड ग्रीन हो चुका है, मतलब मेरा जो जोन है बाइंग का वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। और थोड़ा वेट करना है जब तक ये लाइन न्यूट्रल को ब्रेक नहीं करता है। देखिए, मेरा जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, उसको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट दिखाई दिया होगा, 10:10 पे मेरा जो लाइन है न्यूट्रल का ऊपर चला गया, इसका मतलब है मार्केट ऑलरेडी बाइंग जोन में घुस जा रहा है। तो ये ट्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एंट्री तो नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर कोई स्टार नहीं बना था, मगर अल्टीमेट अगर आप देखेंगे, सारा दिन मार्केट फ्लैट रहा, स्टार एकदम बाद में बना था, और अल्टीमेट मार्केट ऊपर ही बंद हुआ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है नीचे का ये लाइन इंडिकेटर का कंसेप्ट। ये वाइट लाइन का ऊपर है, इसका मतलब है मार्केट का जो ट्रेंड है जनरली अप ट्रेंड है। चाहे मार्केट कितना भी फ्लैक्चुएट क्यों ना करे, साइडवेज या मैनिपुलेट क्यों ना हो, मार्केट में आपको खड़े रहना है बाइंग जोन में। उसका साथ साथ आप नीचे का रिबाउंड भी देख सकते हैं, वो भी देखिए टोटली ग्रीन था, मतलब बाइंग जोन ही था।
तो मैं यहाँ पर आज को कोई ट्रेड नहीं किया, मगर जो बंदा ट्रेड करना चाहता था या ट्रेंड को समझना समझ के एंट्री लेना चाहता था, तो वो नीचे का लाइन को देखते हुए भी थोड़ा बहुत पोजीशन बना सकता है, मगर नॉट सेफ, क्योंकि स्टार नहीं आया था, स्टार बहुत बाद में आया, तो उसका बाद आप ट्रेड थोड़ा बहुत ले भी सकते हैं, तो दैट इज़ द लॉजिक। अब मैं वही सेम चीज़ बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ, इसमें भी ज़्यादा बोलने का कुछ है नहीं। अगले दिन सेल का कॉल था, पूरा परफेक्ट था, कंडीशन मैच किया और अच्छा रिजल्ट भी दिया। आज को मार्केट यहाँ पे शुरू हुआ है और आपको दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे लाइन न्यूट्रल को यहाँ पर ब्रेक किया था 10:30 बजे बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में 10:30 बजे न्यूट्रल लाइन को ब्रेक किया था, मतलब इस हिसाब से ट्रेंड अब बाइंग में चला गया, नीचे का रिबाउंड भी ग्रीन नहीं हुआ था, मगर कोई सिग्नल नहीं बना था, तो अल्टीमेट देखिए मार्केट फ्लैट रहा, लग रहा था शायद मार्केट नीचे जाने वाला है, एक कैंडल थोड़ा सा नीचे भी गया था, लंबा गिरावट हुआ था, मगर अल्टीमेट मार्केट को रिवर्स करके ऊपर लेके खड़ा कर दिया। तो मेरे जो सॉफ्टवेयर है इसमें इस लाइन का इम्पोर्टेंस काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इस लाइन को अगर आप सही से फॉलो कर पाएंगे आई थिंक यू गेट ए बेस्ट रिजल्ट। तो कुछ भी ऐसा नहीं है गारंटेड है, मगर अगर आप लॉजिकली इस मार्केट को सही से फॉलो कर पाएंगे, मुझे लगता है आप अपना एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, वीडियो अगर अच्छा लगा ऑब्वियसली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इस मार्केट रिलेटेड अगर आपको मेरा और भी बहुत सारे वीडियोस देखना है या मुझसे कांटेक्ट करना है, तो वीडियो के नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं और एक बार बताता हूँ, मेन चीज़ होता है लॉजिक, अगर आप लॉजिकली मार्केट को सही से फॉलो कर पाएंगे आई थिंक यू गेट योर रिजल्ट। उसी का एग्जाम्पल आज को मेरा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट को देखते हुए आपको पता चल गया होगा। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।